हेलो दोस्तों, हाल ही में ट्विटर ने वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू के ट्विटर हैंडल से ब्लू टिक हटा दिया है। आज हम इसी के बारे में जानेंगे कि ट्विटर ने ऐसा क्यों किया और ब्लू टिक ट्विटर पर क्यों जरूरी है। आइए जानते हैं। ट्विटर पर ब्लू टिक होने से ये पता चलता है कि वो पर्सन जेन्युइन है, यानी वो फेक अकाउंट नहीं है। हाल ही में वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू, जिनके ट्विटर पर 13 लाख से ज्यादा फॉलोअर हैं, उनके अकाउंट से ब्लू टिक ट्विटर ने बिना कोई रीजन दिए हटा दिया है। इस पर अभी तक ट्विटर का कोई जवाब नहीं आया है। कुछ लोगों का ये अनुमान है कि ये ट्विटर की गाइडलाइन को फॉलो न करने से हुआ है। ट्विटर की गाइडलाइन के अनुसार ट्विटर के ब्लू टिक अकाउंट द्वारा 6 मंथ में कम से कम एक पोस्ट जरूर होना चाहिए, जबकि एम वेंकैया नायडू जी ने पिछले लगभग 1 साल से कोई पोस्ट नहीं किया है। इसी कारण से उनका ब्लू टिक बिना वार्निंग के छीन लिया गया है। कारण कुछ भी हो, लेकिन आप किसी देश के वाइस प्रेसिडेंट को, जो प्रेसिडेंट के बाद सबसे सम्मानित व्यक्ति माने जाते हैं, उनके अकाउंट से ब्लू टिक हटा लेना सीधा सीधा डिसरेस्पेक्ट शो करता है। इसके पहले जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी का ट्विटर अकाउंट ट्विटर ने डिलीट कर दिया था। रीजन में केवल ये बताया कि इन्होंने ट्विटर के रूल्स को वायलेट किया था। कौन सा रूल वायलेट किया, रूल में क्या वायलेट किया, ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया। बाद में गवर्नमेंट से बातचीत के बाद उनका अकाउंट फिर से एक्टिवेट किया गया। इसके पहले नवंबर 2020 में होम मिनिस्टर अमित शाह जी का ट्विटर अकाउंट कुछ टाइम के लिए सस्पेंड कर दिया गया था। भारत सरकार को ट्विटर के अल्टरनेटिव के बारे में सोचना चाहिए और ट्विटर को भी ये सोचना पड़ेगा कि वो आगे इंडिया में लंबे समय तक बिजनेस करना चाहता है या नहीं। देखते हैं आगे क्या होता है। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो के पसंद आने पर वीडियो को लाइक कर सकते हैं और ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल अमेट्योर इंडियन को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।